वैन पहुंची पुलिस टीम, केबिन में बैठे युवक को पकड़ा तो बोला, मैं तो डिप्टी मैनेजर हूँ, फिर जो हुआ। गुरुग्राम लेटेस्ट न्यूज। गुरुग्राम पुलिस SBI बैंक की एक ब्रांच में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। वहां इस बार साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस ने SBI के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल निवासी सेक्टर 77 गुरुग्राम के रूप में की गई। आरोपी डिप्टी मैनेजर साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाता था। साइबरों ठगों को मुहैया करवाता था बैंक खाते। डिप्टी मैनेजर को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में साइबर ठगी के मामलों में बैंक कर्मियों की संलिप्तता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस ने SBI के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल निवासी सेक्टर 77 गुरुग्राम के रूप में की गई। आरोपी डिप्टी मैनेजर साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाता था। साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत देते हुए कहा था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अच्छे रिटर्न का प्रलोभन देकर एक ऐप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवा कर लगभग 52,14,000 रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। ACP साइबर क्राइम गुरुग्राम प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में निरीक्षक समित कुमार, प्रबंधक थाना साइबर पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस आरोपी का पीछा करते करते SBI बैंक पहुंची और एक कर्मचारी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा किया, आरोपी SBI बैंक सेक्टर 17 गुरुग्राम में डिप्टी मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। इसने टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से बैंक खाता खुलवाकर अपने एक अन्य साथी को उपलब्ध करवाया था। उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में ठगी की गई राशि में से 9,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस टीम ने अब तक इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 22 मई को प्रलोभन देकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाकर ठगी के मामले में IDFC बैंक में कार्यरत एक कर्मी को गिरफ्तार किया था। IDFC बैंक कर्मी के साथ राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे। दोनों की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी प्रतीम और सतीश के रूप में हुई थी। मार्च 2024 में RBL बैंक कर्मी को भी गिरफ्तार किया था। बैंक कर्मी हौज खास ब्रांच में खाते खुलवाता था, फिर उन खातों को ठगों को उपलब्ध कराता था। आरोपी एक अकाउंट के बदले साइबर ठगों से 15,000 से 20,000 रुपए लेता था। 32 फर्जी बैंक खाते और 10 सिम कार्ड साइबर ठगों को उपलब्ध करा चुका था।